आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र पहुंचकर कर्नाटक चुनाव पर बोले, राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है, इस पद की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। सुशील गुप्ता का बयान, आम आदमी पार्टी हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कर्नाटक में विधानसभा में बीजेपी के मुख्यमंत्री को विश्वास मत ना मिलने पर सुशील गुप्ता ने बयान दिया कि लोकतंत्र में खरीद फरोख्त बंद होनी चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डेमोक्रेसी जीती है। आज केंद्र में बैठी हुई सरकार जिस प्रकार संवैधानिक पदों को दुरुपयोग करते हुए जायज नाजायज तरीके से सरकारों का गठन करने का प्रयत्न कर रही है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक करारा तमाचा लगा है। मैं हिंदुस्तान की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका सम्मान करते हुए बधाई देना चाहता हूं कुमार स्वामी को, जिनके नेतृत्व के अंदर कर्नाटका में सरकार बनी। और मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा द्वारा बनाए हुए राज्यपाल महोदय ने जो 15 दिन का समय अल्पमत में बैठे हुई पार्टी को दिया, उसको हिंदुस्तान के सभी लोगों ने देखा और सभी लोगों ने सोचा कि हिंदुस्तान में किस तरीके का शासन ये पार्टी चलाना चाहती है, इसका जवाब आने वाले समय में 2019 के चुनाव में जनता देगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी दमखम से सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एक ऐसी स्वच्छ सरकार बनाएगी। आज जिस प्रकार हरियाणा में कानून व्यवस्था की जर्जर हालत हो चुकी है, बच्चियां घर से निकलना अपने आप में कहीं सेफ नहीं समझती हैं, हरियाणा का किसान परेशान है, हरियाणा का पढ़ा लिखा नौजवान युवक रोजगार ना मिलने की वजह से परेशान है, और कांग्रेस से पहले ही यहाँ के लोगों ने मुंह मोड़ लिया था और भाजपा के आने के बाद एक उम्मीद के साथ जब केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री बने और कहा था कि देश के नौजवानों को रोजगार दूंगा और अच्छे दिन आएंगे।